अभी क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फोर देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स फाइव स्टेप्स फॉरवर्ड एंड थ्री स्टेप्स बैकवर्ड पांच स्टेप आगे जाता है शराबी है पांच स्टेप आगे जाता है तीन स्टेप पीछे आ जाता है फॉलोड अगेन बाई फाइव स्टेप्स फॉरवर्ड बट बड़ा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो एंड थ्री स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन ईच स्टेप इज वन मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स वन सेकेंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन डिटर्माइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंक आर टेक्स टू फॉल इन अ पिट थर्टी मीट थर्टीन मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट तो देखो वहाँ से चलना शुरू करता है सीधे हम लोग पहले ग्राफ पे जाते हैं तो देखो एक मीटर एक सेकेंड में एक स्टेप एक मीटर का और एक सेकेंड टाइम लगता है तो पाँच स्टेप तो वो सीधा चल पड़ेगा तो देखो फाइव स्टेप तक स्टेप तक गया वो पाँच स्टेप तो वो सीधे सीधे जाएगा तो पाँच स्टेप चला गया ठीक है फाइव मीटर फाइव मीटर तक पहुँचा पाँच सेकेंड का टाइम लग गया ये दिखा सकते हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्या हो गया देखो फिर वो पीछे आएगा तीन स्टेप्स पीछे आएगा तो तीन सेकेंड मतलब ये एट हो गया लिख सकते फिर ये ऐसा गया फिर पाँच स्टेप आगे, तो थ्री प्लस फाइव सॉरी टू प्लस फाइव सेवन तक पहुंच गया फिर वापस तीन स्टेप सेवन माइनस थ्री फोर पे आया फिर प्लस फाइव नाइन पे पहुंच गया फिर फिर ऐसा लिख सकते फिर ऐसा है, फिर ऐसा और 13 मीटर पे वो पिट है वो तो सीधा पहुंच गया उसके बाद मतलब दो स्टेप जो थ्री स्टेप्स वो बैकवर्ड आता था वो चांस ही नहीं बचता वो गड्ढे में चला गया भाई ठीक है तो अब हम लोग अगर टाइम की बात करें अगर वो देख लें तो देखिएगा फर्स्ट फाइव सेकेंड में पाँच मीटर तक तो पहुँच जाते हो फर्स्ट फाइव सेकेंड में पाँच मीटर तक तो पहुँच गए फाइव मीटर तक यहाँ आ गए नेक्स्ट थ्री सेकेंड लगेगा उनको तीन मीटर वापस आने में तो फाइव प्लस थ्री ये एट हो जाएगा टाइम फिर यहाँ से फाइव सेकेंड में तो टू से वो प्लस फाइव तो प्लस फाइव मतलब सेवन पे पहुँच गए और टाइम भी लग जाएगा एट प्लस फाइव मतलब दिस टाइम इज थर्टीन एट प्लस फाइव फिर यहाँ से तीन सेकेंड तीन स्टेप तीन मीटर पीछे तो सेवन माइनस थ्री फोर लिख सकते हैं ना तो फोर अब यहाँ पे देखो थर्टीन यहाँ पर प्लस थ्री ये कैसे लिख रहे हो तो थर्टीन प्लस थ्री प्लस थ्री मतलब कितना हो जाएगा सिक्सटीन एट थर्टीन सिक्सटीन कैसे आ रहा है फिर फाइव मीटर तो देखो फोर प्लस फाइव नाइन पर पहुँच गए टाइम कितना लग जाएगा सिक्सटीन प्लस फाइव तो देखो ये यहाँ पे आएगा ट्वेंटी वन फिर उसके बाद तीन स्टेप पीछे तीन सेकेंड तो ट्वेंटी वन प्लस थ्री ट्वेंटी फोर और तीन मीटर पीछे नाइन माइनस थ्री पैटर्न समझ आ गया तो सिक्स पे पहुँच गए ये देखिए सिक्स फिर यहाँ से प्लस फाइव तो सिक्स प्लस फाइव इलेवन 6 प्लस 5, 11 और 24 प्लस 24 प्लस 5, तो प्लस 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पांच स्टेप, पांच सेकंड, तो प्लस 5, 29. यहां तक समझ आया देन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में, three स्टेप्स, three सेकंड, तो 29 प्लस three, ये कौन सा टाइम हो गया? 32. फिर यहां से five, तो प्लस five में ये देखो एट पे पहुंच गया एलेवन माइनस थ्री एट पे पहुंचा और एट प्लस फाइव फॉरवर्ड स्टेप सीधे वो थर्टीन पे पहुंच गया अब वापस आने का कोई चांस बनता नहीं है तो यहाँ से पाँच सेकेंड और तो थर्टी टू प्लस फाइव थर्टी सेवन दिस इज द आंसर थर्टी सेकेंड थर्टी सेवन सेकेंड्स में वो पहुंच जाएगा यहाँ तक समझ आ गया अब अगर इसको दूसरे तरीके से करें हम लोग तो यहाँ पे लिखें कि अगर एक एट स्टेप्स की बात करें नॉर्मल तो फाइव स्टेप्स फॉरवर्ड होगा उसका फाइव स्टेप्स फॉरवर्ड और थ्री स्टेप्स बैकवर्ड तो नेट कितना लिखे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें डिस्टेंस तो एट हो गया बट अगर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें तो एट स्टेप में वो जो डिस्प्लेस होगा जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा उस बंदे का वो कितना होगा फाइव माइनस थ्री टू स्टेप्स के बराबर मतलब एक स्टेप वन मीटर है तो ये टू मीटर हो गया बिकॉज वन स्टेप इज इक्वल टू वन मीटर तो टू स्टेप्स मतलब टू मीटर बट टाइम कितना लग गया टाइम जो होगा वो तो एट सेकेंड्स ही लगेगा टाइम एट सेकेंड्स क्यों लग रहा है क्योंकि वो पांच स्टेप फॉरवर्ड पांच सेकेंड प्लस तीन स्टेप बैकवर्ड तीन सेकेंड्स तो मतलब थ्री सेकेंड प्लस फाइव सेकेंड्स एट सेकेंड्स तो टू मीटर के लिए एट सेकेंड्स तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी है वेलोसिटी कितनी आ जानी चाहिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन तो डिसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन वन अपॉन फोर मीटर पर सेकेंड वन अपॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा कैसे लिखा यहाँ तक समझ आ गया अब इसमें देखना थर्टीन मीटर है तो इसमें क्या लिखेंगे टू एट एट की बात कर रहे हैं हम लोग एट स्टेप्स वाला जो था तो टू फिर से टू जाएगा टू टू तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया टू प्लस टू प्लस टू सिक्स यहाँ तक समझ आ रहा है प्लस टू एट अब एट के बाद पांच स्टेप फॉरवर्ड तीन स्टेप स्टेप्स बैकवर्ड तो भाई पांच स्टेप्स फॉरवर्ड में ही काम चल जाएगा तो भाई नेक्स्ट जो आखिरी का जो फाइव जो डिस्प्लेसमेंट है फाइव मीटर यहाँ तक तो समझ आ रहा है ये टू मीटर्स टू मीटर्स के लिए ये चीज ये एवरेज वेलोसिटी वैलिड है बट आखिरी का फाइव स्टेप इसको सीधे सीधे पहुंचा दे रहा है इसके डेस्टिनेशन पे मतलब यहाँ तक के लिए ये जो टू प्लस टू प्लस टू फोर टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एट मीटर जो है वो इस वेलोसिटी से जाएगा और आखिरी का तो वन मीटर वन पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा ठीक है तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसने एट मीटर विद दिस वेलोसिटी तो टाइम कितना लग जाएगा टी वन एट अपॉन लिख सकते हैं ना वन अपॉन फोर तो कितना होगा थर्टी टू सेकेंड्स तो थर्टी टू सेकेंड्स में वो यहाँ पहुँचा कहाँ पहुँचा एट मीटर पे अब थर्टीन मीटर पे इसको जाना है इसका डेस्टिनेशन है तो फाइव मीटर जो होगा वो तो सीधा क्योंकि बैकवर्ड आना नहीं उसके पास ऑप्शन ही नहीं है सीधे आ गया ये तो फाइव मीटर अब वन मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा क्योंकि एक स्टेप एक सेकेंड में जाता है वो तो फाइव मीटर के लिए कितना लग जाएगा फाइव सेकेंड तो टी टू कितना हो गया फाइव सेकेंड्स तो टोटल तो टाइम तो तो अगर चाहिए आपको तो आंसर क्या लिख देंगे टोटल तो टाइम तो के नाम पे थर्टी टू प्लस फाइव थर्टी सेवन सेकेंड्स आंसर ठीक है समझ आ गया देखिए समझ आया लाइक like करिएगा शेयर करिएगा